हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी अपनी लाइफ में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग जो ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस हमारी इस बार की सफेद मूसली की फसल है। ये स्टार्टिंग का मतलब पिक है, स्टार्टिंग का वीडियो है। शुरू में जब ही 15 से 20 दिन की हुई थी, तभी चार चार पत्ते हो गए थे और फ्लावर्स भी देखिए कितने सारे आए हैं, ठीक है ना। तो इस बार हमारी माता रानी की कृपा से और आप सभी की दुआओं से फसल बहुत फर्स्ट क्लास थी और है भी। और अभी सितंबर स्टार्ट हो गया है तो अभी हमारे पत्ते जो हैं पीले पड़ के, कुछ कुछ पत्ते पीले पड़ने लगे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि काफी लोग मेरे से सवाल करते हैं, फोन भी आते हैं, कमेंट भी करते हैं कि इसको मतलब ठंडियों में नहीं लगा सकते हैं क्या। तो आज मैं इसमें बताने वाला हूँ आप सभी को, ये सिर्फ और सिर्फ इसका जो लगाने का समय है वो जून के बाद से स्टार्ट हो जाता है, मतलब जून से लगाने का समय स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। और काफी लोगों का सवाल होता है कि ये मतलब इसका बीज कब लें और कहाँ से लें। तो बीज के लिए हम मतलब अगर इसकी रुपाई जून में हो रही है तो काफी लोग क्या सोचते हैं कि अभी मई और जून में ही हम ले लेंगे बीज। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप सभी को इसका पहले बीज के लिए अगर इसकी खेती करनी है तो पहले आप सभी को बुकिंग करना पड़ेगा बीज। बीज बुकिंग करने का प्रोसेस ये है कि अभी हमारी नवंबर में सिलाई होती है, तो नवंबर से पहले जितना हमारा बीज बुकिंग हो जाता है, बीज बुकिंग हो जाता है उतना ही हम खेत में रोक के रखते हैं, मतलब बुकिंग वाला बीज और अपना बीज। इससे बाकी एक्स्ट्रा बीज हम बचा के नहीं रखते हैं, क्योंकि क्या है ना कि अगर किसी ने नहीं लिया बीज तो हम इतना सारा फिर कहाँ रखेंगे, कहाँ लगाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए बीज के लिए बुकिंग का प्रोसेस चलता है। अगर किसी किसान भाई को बीज चाहिए तो उसको पहले बुकिंग करना होता है और हमारी बुकिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। और बुकिंग करने का भी प्रोसेस बड़ा आसान है, आपको कम से कम क्वांटिटी में और अधिक से अधिक क्वांटिटी में बीज देने की कोशिश की जाती है। और कोशिश क्या हम दे देते हैं किसी को, क्योंकि हम भी एक किसान हैं और हम किसान की समस्या समझ सकते हैं। तो आपको उत्तम क्वालिटी का बीज और अच्छा बीज दिया जाएगा, ठीक है ना। पर आपको अभी बुकिंग करना होता है, और अभी क्या, अभी बुकिंग करेंगे ना तो रेट भी बहुत मतलब अप्रैल और मई की अपेक्षा में अभी काफी कम होते हैं रेट। अभी आपको बुकिंग करना होता है, आप कितना भी बुकिंग कर सकते हैं। अभी आप बुकिंग करेंगे तो आपको बुकिंग अमाउंट थोड़ा सा पेड करना होता है। इसके बाद फिर आपको जब भी हम अप्रैल लास्ट में भेजेंगे तब आपको बाकी पेमेंट करना होता है, ठीक है ना। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं कि जो हमारा बीज है इस तरीके की कंद होते हैं, इस तरीके का मतलब ऑर्गेनिक रोग मुक्त बीज दिया जाता है, बाकी इसमें कोई फ्रॉड का कोई वो नहीं होता है। काफी लोग बोलते हैं कि भाई बीज मिलने देने के बाद कोई जानकारी नहीं देता है, खासकर हमारे जो पहली बार इसकी खेती करने के लिए स्टार्ट पोसते हैं या फिर करते हैं और वो कहीं ना कहीं से बीज मंगा लेते हैं, और जो बीज भेजने वाले सज्जन होते हैं वो बोलते हैं कि हम आपको जानकारी भी देंगे, पर ऐसा बहुत कम होता है। काफी लोग क्या करते हैं कि बीज भेजने के बाद फिर वो फोन उठाना बंद कर देते हैं और बात ही नहीं करते हैं। तो हमारे जो नए किसान हैं जो पहली बार इसकी खेती करते हैं वो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए मैं आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बीज वहीं से लें जहाँ आपको जानकारी मिले। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारे पास से बीज लेते हैं तो आपको 100% इसकी जानकारी और वीडियो के जरिए, कॉल के जरिए सारी जानकारी दी जाती है। और साथ ही साथ आपको एक बात और बता दें कि 2 साल से काफ़ी किसान भाई हमारे हमसे जुड़े हुए हैं, जो कहीं बीज कहीं और से लेते हैं पर जानकारी हम हमारे पास से लेते हैं, क्योंकि सामने वाला दूसरा कोई कॉल ही नहीं उठाता है तो फिर वो फंस जाते हैं। तो फिर वो कहीं ना कहीं से नेट पे सर्च करके और उनको हमारा नंबर मिल जाता है, और फिर हम उनकी सारी मदद करते हैं, बाकायदा उनको वीडियो दिखाते हैं, वीडियो में नहीं समझ में आता तो कॉल पे भी बताते हैं। और ऐसा नहीं कि 5-10 मिनट, आधा आधा घंटे में उनको, जब तक सामने वाला सेटिस्फाई नहीं हो जाता है, संतुष्ट नहीं हो जाता है, तब तक हम उनकी कॉल पर बात करके उनको पूरी संपूर्ण जानकारी देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए सभी से मैं बोलना चाहूँगा कि जो हमारे जो व्यापारी लोग होते हैं, जो
व्यापारी बीज देते हैं वो लोग ऐसा करते हैं, वो लोग क्या है ना, 20 दिन के बाद कॉल नहीं पिकअप करते हैं। मेरे पास डेली काफ़ी फोन आते हैं, मैं कोशिश यही करता हूँ कि सबके जवाब दे सकूँ, सबका बात सुन सकूँ, सबको जानकारी दे सकूँ। हाँ, अगर किसी का कॉल नहीं उठा पाया तो बाद में मैं रिटर्न करता हूँ, ठीक है ना। आप मेरे देखने वाले सज्जन भी हैं, काफ़ी लोग कॉल भी करते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि मैं कॉल पे आप लोग को जानकारी देता हूँ, सही से आपका कॉल पिकअप करता हूँ, आप मेरी गाइडलाइन के हिसाब से खेती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें, ठीक है दोस्तों। और इस साल का जो बीज है, जो अभी अभी कंद मैंने निकाले थे सिर्फ चेक करने के लिए, वही आपको इस डिस्प्ले पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार का भी बीज हमारा फर्स्ट क्लास है। और एक बात और याद रखें कि आप जहाँ से भी लें, बीज कच्चा ना लें। और दूसरी बात कि मई के महीने वाला, जो कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम लास्ट में निकाल के देते हैं मई में, और मई में जो बीज निकालते हैं उसमें जड़ें आ जाती हैं, तो वो बीज सही नहीं होता है। अप्रैल में निकला हुआ बीज सबसे परफेक्ट माना जाता है, और मैं इसकी काफ़ी 8 साल से खेती कर रहा हूँ। तो अप्रैल के महीने में जो बीज निकालते हैं वो सबसे अच्छा होता है, उसमें एक महीने की गर्मी भी मिल जाती है, जिससे क्या होता है कि बीज का जर्मिनेशन जो है ना बहुत अच्छा होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप सफ़ेद मूंगफली की खेती करना चाहते हैं तो एक बार हमसे जुड़ के देखिए, एक बार हमसे जुड़िए, और फिर आपको समझ में आएगा कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। देखिए, मेहनत आपकी, जानकारी हमारी, जानकारी में कोई कमी नहीं रहेगी आपको। बीज भी आपको उत्तम क्वालिटी का ऑर्गेनिक बीज मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और साथ भी साथ बाकायदा आपको वीडियो में अपलोड करता हूँ, मतलब लगाने से लेके सारे प्रोसेस तक की, और जानकारी भी देता हूँ। आप कॉल पे मुझे बात करके हर चीज पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, फिर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर एक बार दोहराना चाहूँगा कि हमारी बीज के लिए बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। जो किसान भाई बीज लेना चाहते हैं, खेती करने के इच्छुक हैं, वो बिना किसी बेहिचक के बीज लें और खेती स्टार्ट करें, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।